Only Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार, सिटी लाइव डायलॉग्स में मैं अशोक राही आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हमारा विषय है लोक कला और आज का समाज। आज हमारे साथ हैं एक युवा सृजनकर्मी विनोद जोशी। विनोद, आपने लोक कलाओं के ऊपर बहुत काम किया है, आप ये बताइए कि आज राजस्थान में लोक कलाओं की क्या दशा है? देखिए भाई अशोक जी, जो लोक कलाएं हैं वो लोक जीवन में हैं। जिन लोक कलाओं को हम देखते हैं वो उनके दैनिक जीवन का पार्ट हैं, वो उनके संस्कार में हैं और पूरे जिंदगी से संबंधित जो उनकी रिचुअल्स होती है। एक आदमी जो जीवन जीता है, समाज जो जीवन जीता है, उसमें लोक कलाएं होती है, तो उनके जीवन से लोक कलाओं को अलग नहीं देख सकते। अब बात यहाँ ये है कि उन लोक कलाओं को जो मॉडर्न समाज है, आधुनिक समाज है, शहरी समाज है, जहाँ से वो कलाएं विकसित होती है, पैदा होती है, फ्लरिश होती है, अगर आप उस लोक कला को किसी अन्य जगह दिखाना चाहते हैं तो बात संदर्भ से बाहर होती है। और यही बात अब लोक कलाओं पे हमको सब जगह देखने को मिलती है। मैं इसका उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि मानो गोगा जी भादवे महीने में लोक देवता है शेखावाटी के, एक महीना पूरे 3 महीनों में जो बरसात होती है उसमें 1 महीने 12 महीनों में गोगा जी का मंदिर खुलता है। बरसात हुई, लोग खेती हर समाज खेती बाड़ी की फसल उगी, अब वहाँ सांप के काटने की घटनाएं बढ़ती है क्योंकि किसान रात दिन खेत में काम करता है। अब सांप उसको काटता है, गांव में मेडिकल फैसिलिटी नहीं, पूरा चूँकि हमारे हर पेड़ पौधे से लेके जानवर तक किसी न किसी चीज़ के देवताओं को उसका आश्रय होता है, प्रशय होता है, उनसे जुड़ा होता है, तो गोगा जी को सांप का देवता माना। अब उस आस्था के केंद्र पे लाया जाता है, वहाँ एक खास प्रकार की रिचुअल्स होती है, लेकिन उसमें कुछ साइंटिफिक पार्ट होता है। उनको नीम का झाड़ा दिया जाता है, उनको जगाए रखा जाता है, उसके लिए गीत संगीत होता है। अब आप देखिए कि ये गोगा जी की पूरी जो परिकल्पना है उसको शहरी और मॉडर्न व्यवस्था में ढकोसला देखा जाता है। और 500 सालों में जब कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी तो वो संबल था, ये अब उन लोक कलाओं का पर्याय है। लेकिन जब आप यही चीज़ शहर में ले के आते हो, यहाँ खेती बाड़ी नहीं, खेती में काम करने वाले लोग नहीं, वहाँ सांप काटे हो को वो तुरंत इस चीज़ को एकदम समझेंगे कि ये तो मूड लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं, तो वो उस विधा को तमाशा समझ लेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप देखें तो लोक में लोक कलाएं हैं, शहर में उन कलाओं का संदर्भ दूसरा ले लिया जाता है। लेकिन हो ये रहा है कि आजकल की लोक कलाओं को शहर में एक प्रदर्शन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो तो अपनी जड़ से जब कट जाती हैं तो फिर उनका क्या औचित्य है, उस प्रदर्शन का भी क्या औचित्य है, सिर्फ एक मनोरंजन? इसको थोड़ा इस संदर्भ में देखें कि अब धीरे धीरे देश दुनिया सिमट गई है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत है, नज़दीकियाँ बढ़ी है, हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान, हिंदुस्तान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जितनी कलाएं, गीत संगीत, संवाद, विमर्श, ये होना चाहिए जिससे हम एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोक कलाएं गांव ढानियों में पूरे राजस्थान में, चाहे हाड़ोती में हो, ढूंढाड़ में हो, शेखावाटी में हो, मारवाड़ में हो, मेवाड़ में हो, ब्रज में हो, तो ब्रज के लोगों को शेखावाटी का मालूम होना चाहिए क्योंकि ये उन्हीं की धरा की चीज़ें हैं। तो ये प्रयास सरकार ने और कुछ लोगों ने संजीदा होकर 80s में शुरू किया, जब ये इस तरीके के लोक उत्सव मनाए जाने लगे। जब लोक उत्सव मनाए जाने लगे तो ये लोक संस्कृति की चीज़ों को जो प्रेजेंट करते उनको कलाकार नाम दिया गया। अदरवाइज पहले कलाकार नहीं थे क्योंकि वो तो वाहक थे संस्कृति के, उस क्षेत्र की चीज़ों के। तो देखिए कि ये भी ज़रूरी है, लेकिन इसमें संवेदनशीलता ये ज़रूरी है कि जिस लोक विधा को हम गांव से लेके आए, ढानियों से लेके आए, जिस क्षेत्र से लेके आए, उसका रिलेवेंस वहाँ की लोक जीवन की दैनिक जीवन में क्या रूप है,
उसको कहीं ना कहीं हम सिर्फ बताएं, ये नहीं करें कि वो गीत संगीत के लिए तमाशा है और आप गीत संगीत करें और तालियां बजाएं। वो वाद्य नहीं है, वो गीत सिर्फ खाली गीत आपके मनोरंजन का नहीं है, वो उस विधा का है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन देखने में तो ये आता है कि आम तौर से लोक कलाकार तो पीछे रहते जा रहे हैं और एक ऐसा बिचौलिया संप्रदाय बढ़ गया है जो कि लोक कला के नाम पर आधुनिक शहरी लड़कियों को स्टेज पे नचा देते हैं और जो मूल कलाकार हैं, जो जड़ वाले कलाकार हैं, जो वास्तविक कलाकार हैं, पैतृक कलाकार हैं, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं। और ये सरकारी स्तर पे भी चल रहा है और निजी स्तर पर भी चल रहा है। देखिए अशोक जी, इसमें एक बहुत बड़ा काम चाहिए जिसको हम कल्चरल मैपिंग कहते हैं। देखिए कि गांव-गांव ढानी-ढानी जाके कलाकारों को खोजना, उनकी लिस्टिंग करना, कौन सी विधा के कलाकार कहाँ हैं, ये श्रम साध्य काम है और इसमें इंटेंस नॉलेज और समझ चाहिए। ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी, उनके बीच रहना पड़ेगा। अब इसका एक सस्ता संस्करण लोगों ने निकाल दिया कि कुछ कलाकारों को जो बरसों से साधनारत थे, उनको पता चला कि गवर्नमेंट की यही एजेंसियां कार्यक्रम कराती है, वो गवर्नमेंट के संपर्क में, गवर्नमेंट के लिए ये इजी हो गया कि उनके टेलीफोन नंबर है, एक आप उनको कह दीजिए कि ये कार्यक्रम है और ये कलाकार हैं, आप लेके आ जाइए, वो ले आएंगे। लेकिन आप देखिए कि राजस्थान में करीब करीब 35-36 जातियों में, समुदाय में लोक संगीत की गहरी परंपराएँ, चाहे वो हमारा आदिवासी समाज हो और चाहे हम जिसको मेन स्ट्रीम समाज कहें। आज आप और हमारे भी विवाह शादियाँ होती है तो संगीत होता है, उनके भी होता है, और यही गीत संगीत हम लोक कला के रूप में। City Live, a platform to sharing your thoughts. लेकिन उन लोक कलाकारों को, जैसे आप भी 2011 से एक मोमासर फेस्टिवल आपने शुरू किया है मोमासर उत्सव के नाम से, और वो बहुत लोकप्रिय भी होता जा रहा है, इसमें हज़ारों लोग भी शामिल होते हैं, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, और बहुत सारे 200-250 लोक कलाकार आते हैं। तो आपने ये कैसे किया, आपको कैसे अलग कर लिया जाए उन लोगों से जो कि शहर में इस तरह की प्रदर्शनकारी काम करते हैं? इसको इस संदर्भ में देखिए कि जितनी लोक कलाएं हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले आग्रह किया था कि सारा ध्यान लोक कलाओं को प्रदर्शनात्मक बनाने में, शहरी जीवन में जो उस विधा को समझते हैं उनके बीच में करने के कारण ये समस्या आने लगी। हमने देखा कि जो कलाएं जिस जगह पैदा होती है, बढ़ती है, और उन कलाओं को वो लोग समझते हैं क्योंकि वो उनके जीवन का, गीत संगीत जो है वो उनके जीवन का पार्ट है, तो वो वहाँ किया जाए, क्योंकि धीरे धीरे वो चीज़ें वहाँ से तो हट गई है जो जहाँ पैदा होती है, जिन्होंने पैदा की है, और उन शहरी वर्ग में आ गई जिनको कला से, गीत संगीत से इन्फॉर्म किया जा रहा है लेकिन उनकी समझ नहीं है। तो हमको लगा कि हम ये फेस्टिवल करें, उत्सव करें। हम सौभाग्यशाली थे कि मोमासर एक ऐतिहासिक गाँव है, 500 साल पुराना गाँव है, हमको वहाँ का लोकल सहयोग अद्भुत मिला। वहाँ बावड़ी है, जोहड़ है, पुरानी हवेलियाँ हैं, टोपोग्राफी ऐसी है, वहाँ का लोक जीवन, खाद्यान्न, पहनावा, वहाँ की खेती बाड़ी, लोक संगीत, देवता, लोक देवता, सब वो जो हम फेस्टिवल के तौर पे दिखाना चाहते हैं वहाँ सब विद्यमान है। और हम इसलिए भी सौभाग्यशाली रहे कि मोमासर में जो मोमासर उत्सव के जो मेन, जिसको हम ऑर्गेनाइजिंग सपोर्टर कहते हैं, वो बेल्जियम में हैं और मोमासर के हैं, वो सहयोग कर रहे हैं। सुरवी उनका चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो सहयोग करता है। तो जो जेमिनी कॉरपोरेशन है, जो मोमासर के लोग विदेश गए लेकिन उन्होंने कहा अपनी धरती के लिए जहाँ कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप ये फेस्टिवल मोमासर में कीजिए और आप ताजुब करेंगे कि 11 साल में इतना सहयोग है कि जितनी लोकल परमिशन है, गांव में लोगों के रहने की व्यवस्थाएँ, ब्रेड एंड बटर जैसा काम है, खेतों में जो टेंट लगते हैं, मंदिर साफ सफाई, लोगों को इनवाइट करना, मुख्य अतिथि बुलाना, ये एक तरीके की ओनरशिप है। सिर्फ हमारा तो अपना जो एक्सपीरियंस है और एक्सपर्टाइज है आर्टिस्ट को लाना और एक क्रिएट करना फेस्टिवल, लेकिन कैसे कैसे वो मोमासर के लोगों का होता है वो मोमासर के लोग करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फेस्टिवल है एक तरह से विलेज के जो गांव के लोग हैं उनकी ही धरोहर है, वो सब मिलके ही करते हैं। क्या कभी सरकार से आपको कोई सहायता ली, आपने कोई फंडिंग करवाई है सरकार से? ये एक बहुत बहुत मुश्किल काम है। एक तो सरकार से बात करें तो अगर फेस्टिवल 20 लाख का है तो वो आपको खुद ही कहते हैं कि हम
3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दे सकते, क्या इसका अर्थ ये नहीं होता है कि 17 लाख रुपए हम कहाँ से कोई चोरी कर रहे हैं क्या? तो अगर 3 लाख रुपए आप देंगे 17 लाख के फेस्टिवल में तो आप पार्टनर नहीं हैं। फिर अगर उनका आता है तो हो सकता है कई बार वो कहते हैं आर्टिस्ट हम भेजेंगे, जैसे हमने संगीत नाटक अकादमी को अप्रोच किया, वो ये कहते हैं कि आप आर्टिस्ट हमसे लीजिए। हम वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर में 4 साल चिट्ठी भेजी, किसी ने उस चिट्ठी को जवाब देना उचित नहीं समझा। जिस मोमासर उत्सव में देश विदेश के कलाकार आ रहे हैं, वहाँ नाटक होते हैं, वहाँ लोक गीत होते हैं, लोक संगीत होते हैं, वहाँ 3,000 बच्चों के साथ काम होता है, 10,000 लोग, 30 गांव, 20 बड़े शहर, इस साल हंगरी, यूके, बेल्जियम से लोग आ रहे हैं, क्या सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी पहल को वो खुद समझे, प्रयास करे? और अगर हम इनवाइट करने आते हैं तो उनको संवेदनशीलता से समझना चाहिए कि ऐसे फेस्टिवल कितने कम बना सकते हैं हम लोग। जहाँ जहाँ सरकार पहुँची वहाँ रास हुआ है। सरकार का काम फेस्टिवल करना नहीं है, जहाँ फेस्टिवल करे उनको सपोर्ट करना है, जहाँ नाटक करे उनको सपोर्ट करना है, लेकिन सरकार ये काम नहीं कर पाती है। हम हर साल आग्रह करते हैं, हमने जब से ये समझा कि सरकार का रोल पैसे मांगने से नहीं होगा, और हमको इन्वॉल्व सरकार का आशीर्वाद ये चाहिए कि वो आए और जो लोक कलाकार उनकी लिस्ट में नहीं है, जो क्राफ्ट्समैन वहाँ उनकी लिस्ट में नहीं है, उनको डॉक्यूमेंट करें, उनको प्रेजेंट करें और उनको दिखाएं, जवाहर कला केंद्र में दिखाएं, फिर आप बेणेश्वर उत्सव में दिखाएं, फिर ऊँट उत्सव बीकानेर में दिखाएं, फिर पुष्कर में दिखाएं। अदरवाइज क्या है, पुष्कर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, आप नाम लीजिए कि माउंट आबू में, सेम कलाकारों के चेहरे, सेम जगह, सेम ग्रुप। इससे कला हतोत्साहित होती है। नेक्स्ट जनरेशन के जो युवा कलाकार हैं जिनको हम खोज के मोमासर में प्रेजेंट करते हैं, वो हतोत्साहित हो रहे हैं कि हम ये कला छोड़ दें। एक से एक ये भी बहुत बड़ी बात है जो कि मैंने भी बहुत महसूस की है। पिछले दिनों मैं भी बहुत सारे लोक कलाकारों से मिला और ज़्यादातर लोक कलाकारों का ये कहना है कि हमारे बच्चे ये कला नहीं सीख रहे हैं, बहुत सारी कलाएं खत्म हो रही हैं, बहुत सारी कला। एक कला जैसे अली बख्शी ख्याल है, उसको तो मैंने स्वयं ने मरते हुए देखा है, वो मर चुकी है, वो उसको गाने वाले ही नहीं बचे, उस ख्याल को करने वाले ही नहीं बचे। यही हाल लगभग कुचामनी के साथ है, यही हाल तुर्रा कलंगी के साथ है। तो ऐसी कलाओं को कौन बचाएगा? सरकार में, जैसा आपने कहा कि सरकार कुछ चुनिंदा ग्रुप समूहों को बुला लेती है और समाज को अपने आप से ही फुर्सत नहीं है, तो आखिर ये बचेंगे कैसे? देखिए, ये बहुत ही यक्स प्रश्न है, इसका उत्तर कोई नहीं दे पाएगा, इसका उत्तर समय है। प्रयास ये करने होंगे कि जो मौलिक लोक विधाएं हैं, सिर्फ आप लंगा, मांगनियार, कालबेलिए, कामड़, जिन 5 जातियों को मेन स्ट्रीम में देखते हैं, वही लोक कलाएँ नहीं है। हर क्षेत्र की लोक कलाएँ, अलग अलग जातियाँ, जैसे मैंने आपको 33-35 जातियाँ कही। अगर आप टूरिज्म को भी प्रमोट करना है, कलाओं को भी प्रमोट करना है, तो आपको प्रदर्शनात्मक जो सबसे सशक्त है उन्हीं को नहीं देखना है, आपको इसकी विविधता है, उनकी जो समृद्धता है, जो वेराइटीज़ है, वो आपको शोकेस करनी पड़ेगी। उन कलाओं को भी बराबर आपको एक एवरेज समान दर्जा देना होगा, तब उस कला के जो संवाहक आर्टिस्ट है, समुदाय है, वो लोग ओनर फील करेंगे। अभी सब ये फील कर रहे हैं कि हमारा कोई स्पेस नहीं है इस राजस्थान में, जो कलाएं हमारी है उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। जब उसका मेन आर्टिस्ट ये सोचता है, तो उसका बच्चा सबसे पहले सोचता है कि उसके पिता की कला और उस पिता की जो इज्जत नहीं है, उस कला को मैं लेके क्या करूँगा, उससे बेहतर है मैं जूते गांठूँ, रिक्शा चलाऊँ। तो हमको ये बहुत समझदारी से देखना है, ये कलाएँ बहुत तेज़ी से लुप्त हो रही है, लोक कलाकार अपनी कलाएं छोड़ रहे हैं। हमको एक कल्चरल मैपिंग करनी है, पूरे राजस्थान में कहां कहां कलाकार है, समुदाय है, और उन कलाओं को हम प्रोपोर्शनेटली हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, उनके बारे में जागरूकता लाएं, उनको मंच दें, उनके जो भावी पीढ़ी हैं उनको उनके साथ जोड़ें, कैंप लगाएं और मौके जितने अधिकतम अवसर देंगे, जैसे हम मोमासर में प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पर। आप देखेंगे कि जो ऐसा काम जो शहरों में आपने कभी नहीं देखा, वो शिल्प, हस्तकौशल और वो कलाएं आपको मेन स्ट्रीम के फेस्टिवल में नहीं देखने को मिलेगी। इस वर्ष मोमासर में आप क्या नया कर रहे हैं? हर साल एक थीम होती है, हम हमेशा सोचते हैं कि जो राजस्थान की कलाएं विलुप्त होने के कगार पे है, एक पूरा सेगमेंट उनको देते हैं जिसको हम इंडेंजर्ड म्यूजिक ट्रेडिशंस कहते हैं। उसका जो हवेली में
मेन जो एक हम शेखावाटी की हवेली का चौक लेते हैं, दोपहर को 3 से 4 बजे है, आप इन बरसों में मीन्स किसी भी बड़े फेस्टिवल में देखिए, अगर सुरनैया लंगों के सुरिंदे और अगर आपने मुरली का कोई कॉम्बिनेशन देखा हो तो बताइएगा, हम वहाँ मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। ये वो कलाएँ हैं जिनके बारे में आज कोई जानता नहीं है। तो प्रयास ये करें, हस्त कौशल देखिए, हम शेखावाटी का फूड देखिए, जो खाने की परंपराएं, गीत संगीत सब संबद्ध है जीवन के पूरे, जिसको हम रिचुअल्स कहते हैं, वहाँ खाना भी है, वहाँ उससे संबंधित क्राफ्ट भी है। जब बच्चा पैदा होता है तो जो दर्जी सबसे पहले जो जिसको हम एक आंगन में जैसे ऊपर टांगते हैं, एक सुआ बना के लाते हैं, वो दर्जी लेके आता है। आज बंदरवार बाजार में मिलती है दीपावली पे, लेकिन वहाँ दर्जी दिखाएगा आपको, झुंझुना कौन बनाता है, मांडा सुथार बनाता है, ये सब चीज़ें एक दूसरे से समाज बंधा हुआ है और मोमासर में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, लोक कला कैसे बचेंगी, लोक कलाएं लगातार समाप्त भी होती जा रही हैं और ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये सिर्फ समाज के लिए, सरकार के लिए, बल्कि पूरी, मैं कहता हूँ पूरी मानवता के लिए है, क्योंकि मानव संस्कृति के साथ, जैसे जैसे मानव संस्कृति बढ़ी है वैसे वैसे हमारे देश में, सारी दुनिया में इन लोक कलाओं का विकास हुआ है, और अगर हम इस सारे बाजार के जंजाल में फंस कर अगर इन लोक कलाओं को भुला देंगे तो निश्चित रूप से ये पूरी मानव जाति का दुर्भाग्य होगा। दोस्तों, जो कलाएं हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने हजारों वर्षों में जिनका विकास हुआ है, वो कलाएं, हमारे देश की कलाएं, लोक कलाएं धीरे 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 सिमटती जा रही हैं, नष्ट होती जा रही हैं, और इनको बचाने की जिम्मेदारी न केवल सरकार की है बल्कि समाज की, आपकी, हमारी, सबकी है। और इस बारे में अगर आप कुछ अपने सुझाव देना चाहें तो अवश्य हमें लिखिएगा, सिटी लाइव को आपके जो सुझाव हैं वो हम प्रसारित करेंगे, और इन कलाओं को बचाने की पूरी दृढ़ता से आज जरूरत है। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स।